आज अपन देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ कोऑर्डिनेटर, हुक्स, हुक्स कंसेप्ट इन कोऑर्डिनेटर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हुक्स जो होते हैं ये एक तरह से सिस्टम इवेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपका कोई भी एप्लीकेशन चालू होता है तो आप चाहते हो कि एप्लीकेशन स्टार्ट होते ही, यदि आपको कुछ भी मैनेज करना है, एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद यदि आपको कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो उसके लिए आप कोऑर्डिनेटर में हुक्स कंसेप्ट का यूज़ कर सकते हो। तो हुक्स मीन्स इम्प्लिसिट इवेंट्स ऑफ CI विच विल बी कॉल्ड ड्यूरिंग एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन, ठीक है। जो हुक्स ऐसे होते हैं, ये एक इम्प्लिसिट इवेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपने आप कॉल होते हैं, ठीक है। यदि कोई भी फंक्शनैलिटी को आपको एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन के टाइम पे यदि आपको अलग अलग पॉइंट्स के करेस्पॉन्डिंग कॉल करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो आप उसके लिए हुक्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी तक आप बटन के क्लिक पे कुछ भी कॉल करते हैं, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर एक्शन के थ्रू आप कुछ ना कुछ डायनेमिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। यदि मुझे एक्शन के थ्रू या बटन के क्लिक के थ्रू नहीं, मुझे नॉर्मली यदि कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, कोऑर्डिनेटर के अंदर, तो हम उसके थ्रू हुक्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हुक्स प्रोवाइड डिफरेंट हुक पॉइंट, ये अलग अलग हुक पॉइंट प्रोवाइड करता है। हुक करना मतलब एक तरह से पुश करना, ठीक है। हुक्स प्रोवाइड डिफरेंट हुक पॉइंट टू कॉल फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे फर्स्ट जो पॉइंट होता है कि हुक्स के अंदर हमें कोई भी फंक्शंस को हम कॉल करा सकते हैं, किसी भी कोऑर्डिनेटर के फीचर्स को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको हुक्स को इनेबल करना पड़ेगा। स्टेप फॉर हुक्स, हुक्स के लिए क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप ये है, इनेबल हुक, हुक को आपको इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल हुक यूजिंग config.php फाइल, config.php फाइल में जाकर के हुक्स को आपको इनेबल करना पड़ेगा। सेकेंड नंबर पे ये रहेगा कि आपको डिफाइन, तो मैं आपको बता देता हूँ देखो कहाँ पर रहता है, ये स्टेप्स भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता जाता हूँ कि ये चीज़ें कहाँ पर इम्प्लीमेंट होंगी, कैसे हमें इसको मैनिपुलेट करना है, ठीक है। हाउ हुक्स विल प्रोसेस, तो पहले हम अपना प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट है। मैं यहाँ पर गया, सी ड्राइव में गया, XAMPP में गया। XAMPP में जाने के बाद अपन htdocs में जाता हूँ। यहाँ पर मुझे कोऑर्डिनेटर का ये फोल्डर्स, जो मेरा फोल्डर है स्मार्ट स्कूल, इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ। जैसे मैंने इस फोल्डर को ओपन किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके अंदर हमारा जो प्रोजेक्ट है, इट विल कंटेन एप्लीकेशन फोल्डर्स, ठीक है। आपको पूरा काम कहाँ पे करना है, एप्लीकेशंस के अंदर ही करना है। एप्लीकेशंस पे जैसे आप क्लिक करते हो तो इसके अंदर कॉन्फिग फोल्डर मिलेगा। कॉन्फिग के अंदर आपको config.php फोल्डर पे जाना है और यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे हुक्स को इनेबल करना है, ठीक है। तो फर्स्ट यू शुड इनेबल द हुक्स। मैं यहाँ पे कॉन्फिग में जाऊँगा। कॉन्फिग में जाने के बाद इनेबल अंडरस्कोर हुक्स करके आपको मिलेगा ऑप्शन, वहाँ से आप हुक्स को इनेबल करिए। दीज आर द डिफरेंट सेटिंग्स, कैशे इंक्रिप्शन की जो हमने सेशन में यूज़ किया था, यू कैन सर्च आल्सो हुक्स, ठीक है। ये आपको दिया है इनेबल अंडरस्कोर हुक्स क्या है, आपका फॉल्स है, मैंने इसको क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, ठीक है। हुक्स आपका ट्रू कर दिया। कहाँ पे, कौन सी फाइल में, config.php फाइल में जाकर के हुक्स को हमने इनेबल कर दिया, ओके। तो दिस इज द स्टेप्स, पहला स्टेप है ये। इसके बाद आप यहाँ पे जाओगे, कॉन्फिग के अंदर एक hooks.php फाइल भी आपको मिलेगी। कौन सी फाइल मिलेगी, hooks.php फाइल मिलेगी, जहाँ पर आप हुक्स को डिफाइन कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के हुक्स होते हैं जिनको हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ओके। तो दैट थिंग्स, नाउ आई विल ओपन हुक्स। सेकेंड स्टेप में आपको क्या ओपन करना है, जैसे हमने पहले स्टेप में ये सेट किया, वापस जाओगे कॉन्फिग में के अंदर जाकर के hooks.php के अंदर, यहाँ पे इसमें आपको यूजर गाइड के अंदर भी बताया कि आप यूजर गाइड में जाकर के जनरल के अंदर hooks.html के अंदर जाकर के भी आप इसके बारे में स्टडी कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द पॉइंट, यदि आपको ज़्यादा डिस्कशन करना है, यदि ज़्यादा डिटेल में देखना है, तो आप इस URL को कॉपी करो और सिंपल आप यहाँ पे इसको पेस्ट करोगे,
जैसे आप इसको पेस्ट करोगे तो हुक्स का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा हुक्स के बारे में, ठीक है। आई थिंक दैट इट हैज़ रिमूव्ड दिस, ठीक है। ये अपना एक ऑफलाइन फाइल यहाँ पे खुल जाएगा और इस फाइल के अंदर, ठीक है, ये कहाँ पर मैनेज होगा आपका, जनरल टॉप लिस्ट के अंदर हुक्स की पूरी यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन दिया है। देखो पहला स्टेप हमने ये फॉलो किया, दूसरा स्टेप ये जो पॉइंट है आपको प्री कंट्रोलर, ये आपको यहाँ पर जाकर के सिंपली रखना है। प्री कंट्रोलर मतलब ये हुक्स कहाँ पर कॉल होगा, कंट्रोलर के पहले कॉल होगा, ठीक है। आप यदि हुक्स को किसी क्लास के अंदर डिफाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लास का नाम लिख दो, यदि कोई फंक्शन देना चाहते हो फंक्शन का नाम लिख दो, फाइल का नाम देना चाहते हो फाइल का नाम लिख दो, पाथ जहाँ पर भी आपको डिफाइन करना है, ठीक है। पैरामीटर्स अभी ऑप्शनल है, मैं यहाँ पे पैरामीटर्स पास नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल एक हुक्स बनाऊँगा, ठीक है। और इस हुक्स को मैं क्लास के अंदर भी, क्लास भी नहीं देना चाहता मैं, नॉर्मल इस हुक्स को, हुक्स फोल्डर एक मिलेगा आपको, उस फोल्डर के अंदर एक फंक्शन बनाऊँगा, उस फंक्शन का नाम लिख दूंगा मैं डिस्प्ले मैसेज, इस नाम से मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। तो पहला स्टेप मैंने कॉन्फिग में जाकर के इनेबल कर दिया हुक्स, दूसरा मैं हुक्स डॉट पी एच पी में जाकर के ये पूरा कोड लिखा, मतलब यहाँ पे मैंने हिट पॉइंट दे दिया, यहाँ पे बता दिया भाई फंक्शन इसका ये रहेगा, ठीक है। और फाइल का नाम क्या रहेगा, फाइल का नाम मैं पहले से डिसाइड कर लिया, फाइल का नाम मेरा रहेगा ए बी सी डॉट पी एच पी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हुक्स नाम से फोल्डर मिला, यहाँ पर एक फाइल बना लो, किस नाम से बनाओगे, ए बी सी डॉट पी एच पी। देखो हुक्स फोल्डर अलग है और हुक्स फाइल अलग है, ठीक है। हुक्स फाइल जो होती है वो कहाँ पे रहती है, आपको कॉन्फिग में मिलेगी, लेकिन जो हुक्स फोल्डर होता है वो आपको अलग से मिलेगा। यहाँ पे ए बी सी डॉट पी एच पी, यहाँ पे कौन सा फंक्शन है मेरा, किस नाम से फंक्शन बनाऊंगा मैं, डिस्प्ले मैसेज, ठीक है। तो आपको पता है पी एच पी के अंदर फंक्शन कैसे बनाते हैं, पी एच पी ब्लॉक लिख लो, और फंक्शन कैसे बनाते हैं अपन, इस तरीके से फंक्शन हमने किस नाम से बनाया, डिस्प्ले मैसेज के नाम से यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया। इस फंक्शन के अंदर नॉर्मल मैंने एक जावा स्क्रिप्ट का कोड ही लिख दिया, इको स्क्रिप्ट अलर्ट, यहाँ दे दिया वेलकम, वेलकम इन शिवा कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन, यानी क्या दे दिया यहाँ पे, वेलकम इन शिवा कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन, ये मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, ओके। अब ये मेथड्स मैंने बना दिया, ये मैंने हुक्स का पूरा पाथ यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, फाइल का पाथ दे दिया भाई ये हुक्स फोल्डर के अंदर होगा। तो आपको मैं एक बार फिर से स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, देखो दोनों चीज़ें अलग अलग होती है। पहले स्टेप में कन्फिग डॉट पी एच पी में जाना है, यहाँ पर इनेबल हुक्स को आपको ट्रू करना है। दूसरे स्टेप में हुक्स डॉट पी एच पी में जाना है, यहाँ पर आपको हुक को डिफाइन करना है, इसके अंदर आपको हुक के पॉइंट्स, हुक कब कॉल होगा, कंट्रोलर के पहले कॉल होगा, पोस्ट कंट्रोलर कर देंगे, कंट्रोलर के बाद हो जाएगा, ठीक है। हुक्स के अलग अलग पॉइंट्स हैं, मैं आपको यहाँ पे नीचे दिखा देता हूँ हुक्स के कौन कौन से पॉइंट होते हैं। देखो ये प्री सिस्टम, सिस्टम के स्टार्ट होने के पहले, कंट्रोलर के पहले, कंट्रोलर के बाद, ठीक है। इसके बाद कैशे ओवर, डिस्प्ले ओवरराइड करना है तो आप डिस्प्ले ओवरराइड यूज़ कर सकते हो। सिस्टम बंद होने के, मतलब सिस्टम के सबसे लास्ट में, पोस्ट सिस्टम मतलब कॉल आपका द फाइनल रेंडर्ड पेज, मतलब सबसे पूरा सिस्टम आपका पूरा लोड हो जाने के बाद, ब्राउजर पे जब पूरा एप्लीकेशन लोड हो जाता है उसके बाद करना है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, पोस्ट अंडरस्कोर सिस्टम लिख सकते हो। तो ये पॉइंट आप चेंज कर सकते हो, एक से ज़्यादा हुक्स भी आप लगा सकते हो। अभी मैं आपको एक ही हुक्स लगा के बताता हूँ। ये हो गया, हमने हुक्स को डिफाइन भी कर लिया, अब ये अपने आप कॉल होगा, आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी करेंट कंट्रोलर्स होगा, उस कंट्रोलर से जो भी आपका, जैसे अभी आपका कंट्रोल करेंट कंट्रोलर्स कौन सा है, यदि आपको देखना है तो कहाँ से देखोगे, राउट्स में जाओ, राउट्स में जाने के बाद आपको दिख जाएगा कि एडमिन लॉगिन आपका करेंट कंट्रोलर। अब जैसे मैं इस एप्लीकेशन को कॉल करूँगा तो एडमिन लॉगिन के पहले, क्योंकि कंट्रोलर के पहले है अपना, एडमिन लॉगिन कंट्रोलर के पहले आपका ये मेथड क्या होगा, कॉल होगा। कौन सा मेथड, दिस मेथड, डिस्प्ले मैसेज मेथड कॉल हो जाएगा। आप इसको चला के देख लो, हुक्स को कभी भी कॉल करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हुक्स को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट इवेंट्स। क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट इवेंट, ठीक है। अब इसको कॉल करने के लिए मुझे XAMPP चालू करना पड़ेगा, मैंने XAMPP कंट्रोल पैनल पर क्लिक किया। जैसे मैंने XAMPP कंट्रोल पैनल पर क्लिक किया तो यहाँ पर अपाचे और MySQL, ठीक है, मुझे अभी अपाचे और MySQL दोनों कॉल कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा जो एप्लीकेशन है उसके अंदर डेटाबेस इंटीग्रेशन भी है। और मैं सिंपल यहाँ पर गया लोकल होस्ट, नाउ आई विल कॉल स्मार्ट इसको, मैंने इसको कॉल किया। जैसे ही कॉल किया देखो यहाँ पर अभी एक एरर मैसेज आपको सामने रिप्रेजेंटेड है, हुक्स डॉट पी एच पी के अंदर ऑनलाइन नंबर 19, ऑनलाइन नंबर 19, हुक्स डॉट पी एच पी के अंदर लाइन नंबर 19 पे आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा एक कॉमा सेपरेटर क्या किया है, मैनेज किया है, और ये जो सिंगल कोटेशन है इसको भी मैंने यहाँ पे हटाया है, ठीक है। इसका एक नॉर्मल एरर है, इसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद मैंने अगेन रिफ्रेश द पेज, देखो वेलकम इन शिवा कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन, ये मैंने कहाँ लिखा है, हुक्स के अंदर लिखा है,
ठीक है, हुक्स के मेथड के अंदर लिखा है। तो मतलब लॉग इन के पहले वेलकम इन शिवा कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन ये मैसेज आपका कॉल हो रहा है। कैसे कॉल हो रहा है? क्योंकि मैं इसको कॉल किससे कर रहा हूँ? हुक्स के थ्रू कर रहा हूँ। कैसे कॉल कर रहा हूँ? हुक्स के थ्रू कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर यदि पोस्ट अंडर स्कोर कंट्रोलर कर दूंगा तो क्या होगा? कंट्रोलर रेंडर होने के बाद क्या होगा आपका कॉल होगा? कि पहले आपका पूरा कंट्रोलर रेंडरिंग, कभी आपको यहाँ पर इतना ज़्यादा जस्टिफाई नहीं होगा जब अपन कंट्रोलर के अंदर, क्योंकि ये कंट्रोलर के करस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है, मैनेज हो रहा है। तो दोनों थोड़ा सा प्रोसेस में क्या होगा आपका डिफरेंस होगा। सिस्टम स्टार्ट होने के पहले करना है तो प्री अंडर स्कोर सिस्टम कर दो, सिस्टम स्टार्ट होने के बाद करना है तो पोस्ट अंडर स्कोर सिस्टम कर दो। आप इस पॉइंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यदि आपको मल्टीपल हुक्स लगाना है, जैसे मैंने आपको एक सिंगल हुक्स लगाया, वैसे आपको यदि मल्टीपल हुक्स लगाना है तो आप मल्टीपल हुक्स भी लगा सकते हो। मल्टीपल हुक्स लगाने के लिए आपको दो अलग अलग हुक्स पॉइंट क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अपन यहाँ पे प्री कंट्रोलर में भी लगा रहे हैं और इसके बाद अपन पोस्ट कंट्रोलर में भी लगा रहे हैं, ये दोनों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर जाकर के इस हुक्स पॉइंट को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट भी अपन मैनेज कर सकते हैं जो जो हुक्स पॉइंट आपको इम्प्लीमेंट करने हैं, ठीक है। तो कंट्रोलर्स के अंदर, पोस्ट कंट्रोलर्स के अंदर अपन ने क्या बना दिया, यहाँ पर फंक्शंस इस तरीके से भी अपन लिख सकते हैं। एक तरीका ये भी है, अभी ये नया तरीका आया है कि आप ऐसे भी डायरेक्ट भी लिख सकते हो। दिस इज़ द बेस्ट वे टू इम्प्लीमेंट दिस ऑपरेशन। दूसरा पॉइंट यदि लगाना है, मैंने दूसरा मुझे मैनेज करना है, मैंने एक दूसरा भी लगा दिया यहाँ पे, हुक यहाँ पे लग दिया मैंने पोस्ट अंडर स्कोर सिस्टम। क्या लगा दिया? पोस्ट अंडर स्कोर सिस्टम। यहाँ पे दे दिया मैंने डिस्प्ले मैसेज। क्या कॉल कर दिया इसमें मैंने? डिस्प्ले मैसेज वन कॉल कर दिया, ठीक है। डिस्प्ले मैसेज वन के अंदर मैं यहाँ पे गया फंक्शन डिस्प्ले मैसेज, यहाँ पे लगा दिया इको बॉडी स्टाइल, बॉडी यहाँ पे लगा दिया मैंने बीजी कलर इक्वल्स टू, ठीक है। मैंने ये लगा दिया इसके अंदर बीजी कलर इक्वल्स टू, क्या लगा दिया मैंने कैन, ठीक है। तो ये कब लगाया मैंने? पोस्ट अंडर स्कोर सिस्टम लगाया। अब मैं वापस से इसको मैनिपुलेट करता हूँ, ये पहला वाला कॉल हुआ और ये दूसरा वाला कॉल। आपका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया? आपका चेंज हो गया, क्योंकि पहला हुक्स कौन सा कॉल हुआ? पोस्ट कंट्रोलर कॉल हुआ। और दूसरा हुक्स क्या कॉल हुआ? पोस्ट अंडर स्कोर सिस्टम कॉल हुआ। तो मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ कि हुक्स कैसे काम करना है, किस तरीके से आपको वर्क करना है। पहला आपको इनेबल हुक्स यूजिंग कॉन्फ़िग डॉट पी एच पी, ये हुक्स का पूरा सिंटैक्स है। यहाँ पे डॉलर हुक और यहाँ पे जो भी हुक के पॉइंट्स हैं ये चेंज होते रहेंगे। यदि आप प्रोग्रामिंग क्लास के अंदर करते हो तो यहाँ पे क्लास का नाम भी लिख सकते हो और फंक्शन का नाम लिख सकते हो, और यदि आप क्लास के अंदर नहीं करते हो डायरेक्टली फंक्शन के अंदर करते हो तो ये चीज़ आप हटा भी सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो तीसरा स्टेप है ये मैंने आपको अलग अलग क्या बताया, प्री सिस्टम। ये कॉल्ड प्री सिस्टम एक हुक पॉइंट होता है जो कॉल होगा वेरी अर्ली ड्यूरिंग सिस्टम एग्जीक्यूशन। ओनली द बेंच मार्क एंड हुक्स क्लास हैव बीन लोडेड एट दिस पॉइंट, नो रूटिंग और अदर। रूटिंग के पहले कॉल होता है प्री सिस्टम। प्री कंट्रोलर जो होता है ऑल बेस क्लासेस रूटिंग एंड सिक्योरिटी, मतलब इसमें बेस क्लास जितने भी होते हैं रूटिंग और सिक्योरिटी के बाद प्री कंट्रोलर कॉल होता है। पोस्ट कंट्रोलर कंट्रोलर के कंस्ट्रक्टर के बाद भी आप कॉल कर सकते हो, कॉल इमीडिएटली आफ्टर योर कंट्रोलर इज इंस्टेंशिएटेड। जैसे कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनने के बाद यदि आपको कॉल करना है तो पोस्ट अंडरस्कोर कंट्रोलर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्टर भी लिख सकते हो। पोस्ट अंडरस्कोर कंट्रोलर कॉल्ड इमीडिएटली आफ्टर योर कंट्रोलर फुली एग्जीक्यूट, जैसे कंट्रोलर एग्जीक्यूट होने के जस्ट बाद करना है तो पोस्ट अंडरस्कोर कंट्रोलर यूज कर सकते हैं। ऐसे अपन डिस्प्ले अंडरस्कोर ओवरराइड मेथड के अंदर भी अपन लगा सकते हैं। तो ये सब अलग अलग हुक्स पॉइंट है, प्री सिस्टम कैशे ओवरराइड, ये सब अलग अलग क्या होते हैं हुक्स के पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ये आपको पूरा डिटेल में भी आपको मिल जाएगा, हुक्स डॉट एच टी एम एल फाइल। आप यहाँ पे जाना यूजर गाइड के अंदर, जैसे आप जाओगे तो यूजर गाइड के अंदर जाने के बाद आपको जनरल टॉपिक्स में जाना, यहाँ पर आपको हुक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो यूजर गाइड में कहाँ जाना है आपको? जनरल टॉपिक्स में जाना है। जनरल टॉपिक्स के अंदर आपको हुक्स का पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ से भी आप इसकी डिटेल्ड स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो हुक्स आपका क्या होता है, जो एप्लीकेशन फ्लो, मतलब एप्लीकेशन फ्लो जो हमारा नॉर्मल है, उस एप्लीकेशन फ्लो के ड्यूरिंग यदि आपको कॉल करना है किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन फ्लो से पहले, मतलब सिस्टम स्टार्ट होने से पहले बाद में, तो आप हुक यूज़ कर सकते हो। तो सेकेंड स्टेप में हुक्स ये आपको डिफाइन कहाँ पे करना है, हुक्स डॉट पी एच पी फाइल में करना है। और हुक्स के अंदर का जो पर्टिकुलर डेटा है, वो जो फाइल है, वो कहाँ डिफाइन करना है? हुक्स फोल्डर में। तो देखो दोनों अलग अलग बात, हुक्स फोल्डर आपको एप्लीकेशन के अंदर मिलेगा, यहाँ पर मैंने ए बी सी डॉट पी एच पी फाइल डिफाइन किया है, ओके। और ये जो हुक्स डॉट पी एच पी फाइल है ये कहाँ मिलेगा? कॉन्फ़िग में। तो पहला स्टेप में आपको कॉन्फ़िग में जाकर के कॉन्फ़िग डॉट पी एच पी में इनेबल हुक करो, दूसरे स्टेप में हुक्स डॉट पी एच पी में जाके हुक के पॉइंट बनाइए, तीसरे स्टेप में हुक्स के अंदर के जो फंक्शंस हैं या जो फाइल है उसको आप पहले यहाँ पर डिफाइन करिए,
और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जिस तरीके से हमारा सिस्टम एग्जीक्यूट हो, जैसे मैंने आपको दिखाया कि नॉर्मल वे में जैसे चालू हो रहा है, सबसे पहले ये वाला हुक्स कॉल हो रहा है और उसके बाद ये हुक्स कॉल हो रहा है, ठीक है। दूसरे वाले हुक्स में मैंने क्या किया है, दूसरे हुक्स में मैंने बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज किया है। तो आप यहाँ पे देखो कि पॉइंट मैंने डिसाइड किया कि पोस्ट सिस्टम में डिस्प्ले मैसेज वन कॉल होगा और प्री कंट्रोलर में डिस्प्ले मैसेज कॉल होगा। इस तरीके से हम हुक्स को डिफाइन कर सकते हैं, ओके। तो इस सेशन को जरूर करिए, हुक्स आपसे हरदम इंटरव्यूज में पूछा जाता है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ कोडिग्नेटर, ओके।